को है और फिनाले तक हमारे साथ अपने सरोज खान जी, अशोक ब्रिस्टार जी और गुरमीत चौधरी जी और हमारे सर रेहाल सॉरी शहाल रेहान जी और आप सब लोग तो साथ रहेंगे। बाकी इस जो टैलेंट हंट शो को खत्म करने के बाद हमारा जो मूवी का प्लान है जो हम मई में शूट करेंगे। और इस सिंगिंग और एक्टिंग और डांसिंग ऑडिशंस में क्या क्या अलग चांसेस हैं, मतलब किस तरीके से आप ऑडिशंस लेंगे प्रोसेस? मैं तो सिर्फ डांस के बारे में बता सकती हूँ, एक्टिंग के बारे में वगैरह तो दूसरे मास्टर से मैं अपना डांस देखूंगी कि कितना उनमें टैलेंट है, रिदम है या नहीं है, या वो एक एक्स फैक्टर जो होता है, जो चुलबुलापन होता है या एक्सप्रेशंस होते हैं, वो है या नहीं है, मतलब लायक है कि नहीं है, यही देखना है बस। एक्चुअली मैम से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा। मैम से पहले हम लोग को एक जिम्मेदारी दी गई है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में टैलेंट ढूंढ के लाना। हम लोग ऐसे टैलेंट को ढूंढ रहे हैं कि जो इंडिया के सामने अपने टीवी चैनल्स के द्वारा, अपनी मीडिया के द्वारा हम सबको दिखा सकें कि इंडिया में जो हुनर, जो छोटे छोटे शहरों में, जैसे सर ने अभी नाम लिया छोटे छोटे शहरों का, उन शहरों से भी टैलेंट ढूंढ के हम लोगों को हिंदुस्तान के सामने प्रेजेंट करें। हम लोग सारे टैलेंट को, अच्छे अच्छे टैलेंट को ढूंढ के मैम के साथ सामने प्रेजेंट करेंगे और मैम उसमें फैसला सुनाएंगे कि इंडिया बेस्ट कौन है कौन नहीं है। इस टैलेंट हंट का एक ही मकसद है कि जो छोटे छोटे शहरों से जिनको मौका नहीं मिल पा रहा उनको हम चांस देंगे और वो लोगों को हम लोग टीवी तक पहुँचाएंगे, आप लोगों के माध्यम से हिंदुस्तान को बताएंगे कि टैलेंट क्या होता है, क्या चीज़ होती है, जिसके लिए हमारे श्री राधे श्याम फिल्म्स एक बीड़ा उठाया है, एक जिम्मेदारी भी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। उसके तीनों डायरेक्टर आपके सामने, सुनील दत्त जी, राजेश जी और ये अपना महावीर जी, तीनों जने हैं हमारे उसमें बहुत बड़े सहयोग। अभी जैसे बगल में रमेश जी बैठे हैं, साहिल रेहान जी बैठे हैं, ये लोग शुरू से लेकर लास्ट तक हमारा साथ देंगे और इसके लिए हम लोग, हमारी कंपनी, हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं आप सभी का, स्पेशली सरोज मैम जी का कि जो आज भी टाइम दिया है और आगे भी टाइम देंगे। मैम सबसे पहले बताइए कि किस तरह से आप जुड़े हैं और क्या क्या नया टैलेंट देखने को मिलेगा? सर टैलेंट तो बहुत सारा है हमारे इंडिया में, कुछ कम नहीं है, हर जगह से ढूंढना पड़ता है। जब इन्होंने बीड़ा उठाई है तो कुछ अच्छा ही टैलेंट लाएंगे और जबकि पिक्चर बना रहे हैं तो वही टैलेंट इनके काम भी आएगा। आपकी तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगा मैम सबको, और क्योंकि आपने पूरी इंडस्ट्री देख रखी है, पूरा ज़माना देखा है, तीन तीन जनरेशन देखी है जी, टैलेंट की तो सबसे ज़्यादा करीबी और नोकी आपके पास ही होगी पहचान। कोशिश करते हैं कि अभी भी अच्छा अच्छा टैलेंट ला सकें और जो बोरिंग हो गया है उन हटाएं, कुछ नया लाएं, पूरी कोशिश है। सर मैम इन चीज़ों को तलाश करने के लिए किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है, किन किन बारीकियों को देखना पड़ता है? देखिए डांस सब लोग करते हैं लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके डांस के साथ ऐसा दिल करता है हम भी नाचें, तो वो ढूंढते हैं हम कि वो चीज़ किस में है। अब जैसा ऋतिक नाचता है तो लोगों का दिल करता है काश हम ऐसे नाचें, या गोविंदा नाचे तो लोग खड़े हो जाते हैं, तो कोशिश यही है कि उनके जैसे कुछ टैलेंट लाएं जल्दी जल्दी। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इस टाइम बॉलीवुड का सबसे ज़बरदस्त टैलेंट कौन है जो आपकी नज़र में इस वक्त है, जो उर्वश पर है इस वक्त? देखिए सर हमारे यहाँ तो जो चढ़ते सूरज हैं उन्हीं को पूजा जाता है, तो सबसे ज़्यादा टैलेंट उन्हीं में होता है जो माल कमा के लाता है, जो चल रहा है इस वक्त। इसका ऑडिशन काफ़ी है ना, आजकल एक्टिंग डांस वगैरह कोई नहीं देखता है, जो चल ये देखता है कौन चल रहा है बस। मैम इसका ऑडिशन पूरे हिंदुस्तान में होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान के उस टैलेंट से, क्या आप आके आपसे जुड़े हैं, किस तरह से आप उनसे? देखिए हम लोग तो मौका दे रहे हैं, है ना, एडवर्टाइजमेंट तो खूब की है, अभी जितने ऑडिशन हो चुके हैं उसमें तो भरपूर आए हैं, अब देखें आगे कौन आएगा,
मैम आपकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है हिंदुस्तान में, जहाँ भी आप विजिट करोगे वहाँ कोशिश करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं सभी जितने लोग ऑडिशन देने वाले हैं, जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मैं सभी लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा मौका आप लोगों के लिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग आएँ, और हम आपको मौका दे रहे हैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को हिंदुस्तान में अपना टैलेंट दिखाने का, अपना हुनर दिखाने का, और हो सकता है कि आपके हुनर में इतना दम हो कि जैसे हमारा आगे मूवी का प्लान है जो आगे चल के, तो उसमें भी आपको मौका मिल सकता है आप सभी लोगों को। और ये कोई बोल बच्चे नहीं है, ये रियलिटी है, और इसमें जो रियल टैलेंट होगा वही हम लोग मैम के सामने प्रेजेंट करेंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि बचपन से सपना देखते थे, मैम को फॉलो करते थे, आज मैम के साथ बैठे हैं। हमारे कंपनी को, हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स को बहुत बहुत थैंक्स, आप सभी लोगों को, सभी मीडिया को, जितने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं सभी लोगों को स्पेशली मैं थैंक्स करता हूँ। और किन किन शहरों में ऑडिशन किया जाएगा? ये हिंदुस्तान के 27 सिटीज में ऑडिशन हो रहे हैं, जिसमें 6-7 सिटीज अभी कम्प्लीट हो चुके हैं। जैसे सर ने बताया, आज यहाँ पे मुंबई में कर रहे हैं, कल हमारा पुणे में होगा, उसके बाद जयपुर में होगा, उसके बाद भिवाड़ी में होगा, सोनीपत होगा, कानपुर, लखनऊ, पटना, बनारस, उधर सासाराम करके एक जगह है वहाँ पे, कलकत्ता, गोवा, तो बहुत सारी सिटीज हैं। अगर भाग लेना तो कैसे आपसे जानकारी? एक्चुअली हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने मीडिया का, आप जैसे लोगों का जब तक सहयोग नहीं होता, मुझे लगता है कि जो मेरा ओपिनियन है, मैं जितना मेरे को एक्सपीरियंस है कि आप लोगों का भी बहुत बड़ा इसमें रोल होता है लोगों तक मैसेज पहुंचाने का। तो यार सुबह से मुझे भी काफी कॉल आया है इसके, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन काफी कॉल आया कि मुझे ऑडिशन देना है। तो जानकारी लोग कहाँ ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, कुछ वेबसाइट या न्यूज़पेपर से? नहीं, हमने जो सोशल मीडिया पे हमने अपडेट किया हुआ, वेबसाइट पे और अपना जैसे कि FB, ट्विटर, इन सब पे, और प्रिंट मीडिया को भी हम लोग फॉलो करते हैं, प्रिंट मीडिया को भी हम लोग, उनमें भी अपना मैसेज देते हैं लोगों को, जिनको फोन के थ्रू जानकारी दे सकते हैं उनको फोन के थ्रू जानकारी देते हैं। सरोज जी का कितना योगदान है आपको? सरोज जी का बहुत बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनका हाथ हमारे सर पे है, और सरोज जी को मैं स्पेशली सरप्राइज देने वाला हूँ कि ऐसे ऐसे कंटेस्ट उनके सामने ला के रख दूंगा कि सरोज जी भी शौक हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा टैलेंट भी है अभी हिंदुस्तान में। MD साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी बताओ, ये जो टैलेंट शो हम कराने जा रहे हैं 27 राज्यों में, इसमें जो लड़का और लड़कियां टैलेंट के थ्रू निकल के आएंगे, जिनके अंदर कला है, उस कला को हम पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं। और जो 20 अप्रैल को हमारा फाइनल फिनाले होगा, उसमें से जो लड़का लड़की निकल के आएंगे उनको हम मूवी में आने का चांस देंगे, ट्रॉफी और विद अपनी कंपनी का सर्टिफिकेट होगा उनके पास। ठीक है जी, आपके दिमाग में क्या है, कैसे टैलेंट शो करना चाहिए, कैसे, कुछ आइडिया है आपका? क्या सर, कहाँ से आइडिया है क्या टैलेंट शो कराना चाहिए कुछ? नहीं नहीं, वो तो अशोक जी है ना हमारे, ये इनसे हमको तो इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने दी है जानकारी। सर आप क्या बताइए, मूवी का प्लान था, फिर मूवी के साथ साथ हमने सोचा कुछ थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, टैलेंट शो कराएंगे तो, क्योंकि जो बच्चे टैलेंट से फाइनल होकर जाएंगे उनको थोड़ा कम बजट में हम ले सकते हैं अपने पास। प्राइज तो हम देंगे देंगे, मगर वो जब हम उनको सर्टिफिकेट प्लस ट्रॉफी देंगे तो हमारे लिए वो काम करेंगे, इसलिए ये सोच करके हमने जो ये टैलेंट शो कराया है, उनको भी फायदा होगा और हमारी कंपनी को भी फायदा होगा। और कौन सी मूवी बना रहे हैं आप? हमारी मूवी का नाम है गोल्डन 3G। स्टार सर अभी एग्रीमेंट नहीं हुए हैं, ये तो अप्रैल में होगा, उसके बाद बताएंगे आपको। ये टैलेंट शो कब तक चलेगा आपका? ये 20 अप्रैल को फिनाले है, उसके बाद। तो फिनाले कहाँ कर रहे हैं आप? फिनाले नोएडा फिल्म सिटी। सर टैलेंट शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई टैलेंट जो है तो वो हमारे हिंदुस्तान में गांव-गांव में, शहर-शहर में, पूरे देश में टैलेंट ही टैलेंट है। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरह से लोगों को प्लेटफॉर्म मिलेगा और उनको एक रास्ता मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने के लिए। हम तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान तो एक टैलेंट का समंदर है, अभी उसका आप लोग सब देखेंगे
कि किस तरह से टैलेंट बाहर आता है। तो टैलेंट जो है तो वो तो हमारे वहाँ है, आप ये देखिए संगीत हमारा, हमारे वहाँ एक्टिंग नृत्य है, तो किस तरह के नृत्य है, भाव नृत्य है, कथक है, सभी दुनिया तरह का है। तो उसमें बच्चे, गाने वाले बच्चे, सिंगर बच्चे, डांसर बच्चे, एक्टर बच्चे, हमारे गांव गांव गली गली बच्चे हैं, मगर जिनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को रास्ता मिलेगा और वो आएंगे और अपनी टैलेंट दिखाएंगे और नाम करेंगे, और मुझे भी खुशी होगी कि हमारे बच्चे जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं। और जैसे पहले लोग जो थे, पहले ज़माने में जहाँ तक ये था कि लोग फिल्म में आते घबराते थे, टीवी में आते घबराते, मगर आज ऐसा नहीं है। अगर बच्चे कहते हैं कि हमें फिल्म में जाना, तो उनके माँ बाप भी चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं कि बच्चा फिल्म में आए और वो काम करे, मगर उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए या माँ बाप सपोर्ट भी करे तो कैसे करे, कैसे बच्चे को लाए, कैसे लाए, ये सब रास्ते जो है। तो इस टैलेंट से जो हमारे वहाँ ये टैलेंट का जो शो हो रहा है और जगह जगह होगा, पूरी लखनऊ दिल्ली सभी जगह जाएंगे ये लोग और टैलेंट करके लाएंगे बच्चों को और उनको प्लेटफॉर्म देंगे, मुझे बड़ी खुशी है और बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये लोग जो है ना इतना बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हिंदुस्तान में लोग जो है ना दूसरों के लिए सोचते हैं, वो बच्चे जो है ना बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो घर पर रह जाते हैं और उनको कोई लाइन नहीं मिलती, मतलब एक डायरेक्शन नहीं मिलता सही से। और इन लोगों ने जो है ना ये सारी चीज़ें सोच रखी इस इवेंट के ज़रिए उनको बाहर लाने की और मतलब टीवी पे लेकर के आने के लिए, बहुत बड़ी बात है और इन सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो किस तरह का चैलेंज तराशने जाने वाले हैं? देखिए क्या है, मैं तो सिंगिंग से रिलेटेड हूँ, जैसे मैडम ने कहा वो डांस के वजह से जो है ना डांस के लिए, तो मैं सिंगिंग के लिए जज, एक्टिंग के लिए सब जब तक जज करेंगे, तो सारे मिला करके जितने भी टैलेंट हैं सब बाहर आए और हर गरीब बच्चे उसमें से परफॉर्म करें, मार्केट में आए, नाम कमाएं, हिंदुस्तान का सारे टैलेंट बाहर आए। मेरे को पता था काशी ये बोलेगा तमल्ले महा ओ अलोहा ताबैदम नीति वल जहवा तमल्ले महा तमल्ले बादे उफल्ली वला वंसा तमल्ले महेश निलहु हंता बनु वैया तमल्ले हबीब मस्ताही लई अलैया हबीब मिन दाही लई अलैहि वला लकुल्ली तू रगनी हबीब महता दिल तू ही जीने का सहारा है तू ही मौज जो का किनारा है मेरे लिए है जहां अब तू तुझे मेरे दिल ने पुकारा है। थैंक यू, थैंक यू। आप भी नहीं हो सर, एक्टर एक्टिंग है और इसकी वजह से विशेस दीजिए आप, विश हां, गॉड ब्लेस यू, आप अच्छा जाए शो, ये टैलेंट यहां पे दिखे, जब जो बच्चे टैलेंटेड हैं वो आगे आएंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू।